हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो चलिए आज हम लोग एक नए राइड पर चलते हैं और आज हम चलेंगे रैपिडो में। मैंने रैपिडो ऑन कर लिया है, देखते हैं। यहाँ पे मैंने होम रूट डाला हुआ है, होम रूट डालने पर अपने को क्या मिलता है रास्ते में राइड। वैगन रॉयल लक्स, शादी के सीज़न में यहाँ पे तो इतनी भीड़ होती है कि निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे, ख़ास तौर पे रात को, क्योंकि सारी पार्टी रात को होती हैं तो बहुत भीड़। ये रॉयल एनफील्ड का शोरूम, रॉयल एनफील्ड ने भी बहुत अच्छी अच्छी नई मॉडल की बाइक्स निकाली हैं। हाई एंड बाइक्स हैं, महंगी हैं थोड़ी सी, लेकिन देखने में बड़ी अच्छी लगती है। और रॉयल एनफील्ड का तो नाम ही कुछ काफ़ी है। आज तो बड़ी भीड़ हो रही है यहाँ पे। क्रॉसिंग है, सब अपने अपनी गाड़ियां निकालने के लिए खड़े हो जाते हैं। पहले मैं जाऊंगा। चलो भाई चले जाओ, ये देखो उनका जी। मिल गई थी हमें, निकल चलो आराम से चाचा। ओए बाइक के अंदर में ये एक खूबी है भाई, उसके सस्पेंशन इतने ज़बरदस्त होते हैं कि कितने भाई गड्ढा आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो फटाक से निकल जाती है। लेकिन अपन लोग स्कूटी में हैं तो भाई हमारे सस्पेंशन ऐसे नहीं है, अपने को तो आराम से ही निकलना पड़ेगा। साइकिल, मोटरसाइकिल में साइकिल, यहाँ भी लाल बत्ती आ गई थी, चलो हरी हो गई। भैया जा रहे हैं हमारे सामने, वाह भाई वाह, बढ़िया है जी, गुड। रैपिडो वाले का हेलमेट भी बढ़िया बनाया है, पार्क इन्होंने लॉग इन नहीं कर रखा, बिना लॉग इन के जा रहे हैं, क्या बात है। रैपिडो नहीं चला रहे अभी अंकल, रैपिडो नहीं चला रहे अभी? नहीं, अच्छा ऐसे ही है। चलो हम रैपिडो पे चलाते हैं ना, तो मैंने देखा कि हमारे भाई जा रहे हैं। ओके जी अंकल जी, रैपिडो पे नहीं चला रहे जी, ये इन्होंने ऐसी पहन रखी है। चलो धोखा हो गया, लेकिन एक चीज़ है, एडवर्टीजमेंट हो ही जाती है रैपिडो की, ऐसे गुड है। खैर सबके अपने अपने हैं, बाकी मैं वही सोच रहा था कि अंकल जी मोपेड चला रहे हैं रैपिडो में, लेकिन मोपेड की एंट्री भी शायद कर दी हो, लेकिन है नहीं अभी तक, तो मोटरसाइकिल और स्कूटी का ही चल रहा है।
भाई आधा घंटा हो चुका है हमारे को चले हुए, लेकिन अभी तक कोई राइड आई नहीं है। तो हम तो सिर्फ रैपिडो ही चलाते हैं, तो आईडीज नहीं बना रखी कि ओला भी चलाए। ओ तेरी की, बहुत बड़ा था बंपर। जो लोग दो राइडें चलाते हैं, ओला में भी लॉगिन कर लिया और रैपिडो में भी लॉगिन कर लिया, उनके लिए तो किसी न किसी से आ ही जाती है, लेकिन हम सिर्फ रैपिडो में ही हैं तो इसलिए अभी तक कुछ नहीं। कोई नहीं, देखते हैं शायद आगे मिल जाए। वही रात को 10 बजे से यहाँ पे नाइट कर्फ्यू लग जाएगा, तो ये ऑफिस टाइमिंग है जब अपने अपने घर जा रहे हैं। सैटरडे संडे दो दिन बंद कर दिया, पार्शियल वीकेंड लॉकडाउन। अब ये पता नहीं कि कंप्लीट लॉकडाउन करेंगे या कर्फ्यू लगाएंगे, लेकिन इसको 50% ऑफिस को परमिशन दिया है काम करने के लिए। एसेंशियल प्राइवेट जो एसेंशियल चीज़ों का है उसमें 50% वर्कर्स के साथ में कर सकते हैं। अब प्राइवेट के अंदर में एक चीज़ है, बहुत शॉपकीपर्स भी ऐसे हैं जिनके बंद हो जाएंगे, पता नहीं उनके कारीगर क्या करेंगे जो काम करते हैं वहाँ पर। एसेंशियल कमोडिटीज वालों की तो कोई परेशानी नहीं है, वो लोग तो अपना कर ही लेंगे, लेकिन जो दूसरे अदर प्रोडक्ट्स हैं, कपड़ा हो गया, जूता हो गया, या कुछ इंडस्ट्रियल हो गए, लकड़ी वाले हो गए, या बाथरूम फिटिंग्स वाले हो गए, वो क्या करेंगे? उनके बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। ये एक अच्छा टॉपिक है सोचने के लिए, क्योंकि एसेंशियल्स की तरफ तो सबको ध्यान है, ग्रोसरीज है, मेडिसिन है, और भी कई सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, खाने पीने का सामान है, लेकिन जो दूसरी चीज़ें हैं फैक्ट्री चलाने के लिए, अब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ तो चलेंगी और उनकी मशीनें भी ख़राब होंगी, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से उनको सामान नहीं मिला तो वो मशीनें खड़ी हो जाएंगी, फिर क्या करेंगे? मैं रैपिडो जिनका मैं रेगुलर देखता हूँ, ईएस के व्लॉग, विश्वनाथ भैया आपके लिए एक टॉपिक दिया मैंने, आपका जो दूसरा वाला चैनल है ना, उसमें आप इसको थोड़ा सा कंसिडर करना, आपको मैं टैग करूँगा जब मैं ये वीडियो पोस्ट करूँगा, तो आपको मैं टैग करूँगा। थोड़ा सोचना कि लॉकडाउन पीरियड के अंदर में एसेंशियल कमोडिटीज़ के अलावा जो दूसरे लोग हैं जिनकी चीज़ें ज़रूरी होती हैं दूसरे प्रोडक्ट्स के अंदर में, वो बेचारे क्या करें? सेकंड्स, बड़ी लंबी बत्ती है यहाँ पे, ये तो जैसे मैं बता रहा था कि विश्वनाथ भैया जी आप आते हो दिल्ली और हमारे एरिया में ही आप संडे मार्केट घूम के चले गए, मुलाकात नहीं हुई, बहुत सुबह सुबह आए, लेकिन एक अभी अभी मैंने आपको टॉपिक दिया है, आप देखना इसके लिए आप क्या कर सकते हो, बताना, मैं अपने जो वीडियो अपलोड करूँगा उसमें आपको टैग करूँगा। भैया देख लो यार, कोई बत्ती में रुकने को राजी नहीं है, सब सोचते पहले हम निकले पहले हम निकले। अरे भैया
अभी बताया, किसी को चैन नहीं है भाई। ये देखो जगह नहीं है लेकिन फिर भी यहीं घुसाएंगे। अरे रुक जाओ भैया, कहाँ जा रहे हो आप? लोगों ने शहंशाह पिक्चर का एक गाना सुना होगा, अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर। ये वैसा, ये देखो, ये बिल्कुल अंधेरी रात और सुनसान सड़क और बिल्कुल कुछ भी वैसा यहाँ पे ना नहीं चल रहा। स्ट्रीट लाइट, ये जंगल है तो यहाँ ऐसी जगह पे भाई सब बड़े ही एहतियात से चला कीजिए, क्या पता कहाँ से बंदर आ जाए। और कुछ खाने वाने का सामान हो आपके पास चपट ले। अरे भैया हाई विंग वाले नीचे कर लो। पता नहीं क्यों हाई बीम और लो बीम में गाड़ी चलाना समझ में नहीं आता। पहाड़ों के अंदर में भी हाई बीम चला रहे हैं, वैसे ही जब सामने से गाड़ी ऊपर आ जाती है तो सड़क दिखने लगता है। यहाँ तो भी बड़ा लंबा है जी, 74 सेकेंड। गाड़ी कर दीजिए बंद और इंतज़ार करते हैं अपने बत्ती होने का। तो भाई साहब हम लोग लाल किले पहुंच गए हैं और अभी तक कोई राइड आई नहीं। हम लोग खाली खाली ही आ गए। यहाँ पे बहुत भीड़ होती है इस टाइम पर, ऑफिस टाइमिंग्स है, सब अपने अपने घर जाते हैं, बहुत भीड़ है भैया। भाई साहब हम पहुंच गए अपने लोकेशन पर, यहाँ कर दो रैपिडो बंद। हम अपने घर पहुंच चुके हैं, रैपिडो मैंने बंद कर दिया है, अब मैं ऑफलाइन हूँ। तो आपने देखा इतनी देर हम लोग चलते रहे लेकिन कोई भी राइड हमें मिली नहीं। तो रैपिडो के अंदर में इसी देर में राइड नहीं मिलने का रीज़न एक ये हो सकता है कि ज़्यादातर लोगों जो है ओला को जानते हैं, ओला उबर, रैपिडो अभी इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है
तो फिर यहीं पे टाटा गुड बाय, और मिलेंगे अपने अगले वीडियो पे, अगले व्लॉग पे। तब तक के लिए बाय बाय।